एवरीवन, वेलकम टू दी गर्ल्स पावर पूजा। और दोस्तों, मैं हूँ पूजा। सो दोस्तों, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी, राजस्थान सटीका करके उनका चैनल नेम है और मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट भी दे दूँगी। तो उन्होंने मुझसे कमेंट किया था कि दीदी, मैं डेली के 60 रुपये बचा पाती हूँ, तो उस 60 रुपये को आपको क्या करना है। सो दोस्तों, उस बचाए गए 60 रुपये का हमें क्या करना है, आज की इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ 60 रुपीज़ 1 मंथ मनी सेविंग चैलेंज। सिर्फ पर डे के 60 रुपये आप डाल करके कैसे 1800 रुपये 1 महीने के जोड़ सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जोड़े गए पैसे को आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वो वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी मैं। सो, अगर आप हाउसवाइफ हो और आप जॉब नहीं करती हो, सारा दिन आपका बेबी संभालने में, घर को संभालने में चला जाता है, और आप छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं उनमें से कुछ पैसे बचा करके इकट्ठा करके रख लेती हो, बट घर पे रखने का उस पैसों का कोई भी बेनिफिट नहीं है, कोई भी फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। आप हर महीने अगर 500, 1000, 2000, 5000 रुपये बचा पा रही हो, तो उस पैसों को आप डायरेक्टली बैंक में जमा कराओ। और बैंक में जमा कराने का ये मतलब नहीं हुआ कि आप ले जा करके सेविंग अकाउंट में डाल दो, क्योंकि सेविंग अकाउंट में आपको बहुत कम ब्याज मिलेगा, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, ऐसे करके चिल्लर वाला ब्याज मिलता है। बट आप अपने बचाए गए पैसों को इकट्ठा जब करके रखते हो, साथ ही उसकी एक FD करवाते हो, फिक्स डिपोजिट, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जाता है। जहाँ तक मुझे पता है, अगर आप 50,000 की FD करवाते हो 1 साल के लिए, तो आपको 5,500 से 5,600 रुपये उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। मतलब 1 साल में 50,000 में आपको 5,600 से 5,500 रुपये मिल रहा है, तो रिटर्न आपका काफ़ी अच्छा है ना। घर पे अगर आप रखे होते वही पैसे, तो आप उसमें से कुछ भी ना जोड़ पाते, या फिर वो पैसे खर्च भी हो सकते थे। तो अगर आप FD नहीं करवाना चाहते हो, डायरेक्टली आप उन पैसों को नहीं डालना चाहते हो, या फिर आप 50,000 इकट्ठे, आपके पास इतनी पूंजी नहीं है, तो इससे बचने के लिए आप अगर हर महीने 5,000, 3,000, 2,000 रुपये बचा रहे हो, तो उसकी आप RD करवाओ, मतलब रेकिंग डिपॉजिट। RD का जो एजेंट होता है वो डायरेक्टली आपके घर से आकर के पैसे ले जाएगा। आप पर डे के 100 रुपीज करवा सकते हो, या फिर आप मंथ के 600, 300 रुपीज भी करवा सकते हो। मिनिमम अमाउंट से भी RD अकाउंट ओपन किया जा सकता है। दोस्तों, RD काफ़ी अच्छी और एकदम सेफ स्कीम है, जिसमें आप अपने पैसे डाल सकते हो, आप पर मंथ इसमें डाल सकते हो। साथ ही RD 3 से 5 साल के लिए होती है, आपको रेगुलर 5 साल तक इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, साथ ही 5 साल बाद आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जाता है। बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी ग्रामीण महिलाएं हैं जिन्होंने RD से अपने बच्चों की शादी की, बच्चों का एजुकेशन उन्होंने पूरा किया, घर बनाया, साथ ही साथ अपने बुढ़ापे के लिए उन्होंने भी सेव कर लिया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं 60 रुपीज़ ली हूँ। दोस्तों, चलिए मैं बताती हूँ कैसे आपको इसे ड्रॉ करना है, कैसे आपको इसमें फिल करना है। आप इस मनी सेविंग चैलेंज का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, या फिर आप इसकी एक्सेल सीट भी बना करके रख सकते हैं। जहाँ तक मैं आपको सजेस्ट करूँ, तो आप पेन और डायरी की हेल्प लें, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें, वैसे आप इसमें फिल कर सकते हैं। इतने वीडियो कैसे हमें इसमें अमाउंट फिल करना है, साथ ही साथ इसे डन कैसे करना है। दोस्तों, कुछ इस तरीके से मैंने नोट डाउन करके रख लिया है। 60 रुपीज़ 1 मंथ मनी सेविंग चैलेंज है। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे से लेकर के मैंने 30 डे तक ड्रॉ कर लिया है। और टोटल सेविंग आपकी 1800 रुपये होती है, 1800 रुपीज़ हो जाएगी आपकी 1 मंथ में। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे आपको इसमें पैसे फिल करने, साथ ही साथ इसे डन कैसे करना है। दोस्तों, फिल करने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे इस तरीके से पैसे रख लिए हैं। और अगर आप 60 रुपीज़ डेली की बचा पाती हो, तो बहुत अच्छी बात है। आप डायरेक्टली इस तरीके से चार्ट ड्रॉ करो, या फिर आप किसी भी पर्स में डेली अपने 60 रुपीज़ डालती चली जाओ, बहुत बेनिफिट होगा आपको। तो बात करती हूँ मैं फर्स्ट डे की। फर्स्ट डे को मैंने यहाँ पर डन किया, और यहाँ पर ऐड करूँगी मैं 60 रुपीज़। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 50 + 10, 60 रुपीज़ ऐड करके मैंने इसको डन कर दिया। साथ ही साथ नेक्स्ट हमारा है सेकेंड डे, यहाँ पर हमें ऐड करना है 60 रुपीज़। तो यहाँ पर मैंने 60 रुपीज़ ऐड कर दिया है, 2020 के 3 नोट, साथ ही इसको भी मैं यहाँ पर डन कर दूँगी। नेक्स्ट हमारा है 3 डे, तो यहाँ पर भी मैं ऐड करना है 60 रुपीज़। तो आप देख सकते हो 40, साथ ही ये 60 रुपीज़ हो चुका है, और इसको भी मैं यहाँ पर डन कर दूँगी। नेक्स्ट है हमारा 4 डे, 4 डे पे हमें ऐड करना है 60 रुपीज़। मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 100 रुपीज़, बिकॉज मेरे पास चेंज नहीं है। मैं यहाँ से 40 रुपीज़ रिटर्न ले लूँगी, और 60 रुपीज़ हमारा ऐड हो चुका है। नेक्स्ट हमारा है 5 डे, इसको भी मैंने डन किया, साथ ही यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी 60 रुपीज़, साथ ही ये हो गया 60।
ये भी डन हो चुका है। नेक्स्ट 6 डे पे 60 हमें ऐड करना है, मेरे पास चेंज नहीं है। फिर से मैं यहाँ पर 100 रुपीज़ ऐड करने के बाद यहाँ से रिटर्न लूँगी मैं 40 रुपीज़। तो 40 रुपीज़ मैंने यहाँ से रिटर्न ले लिया है, साथ ही साथ मैंने 100 रुपीज़ इसमें ऐड कर दिया है। नेक्स्ट डे है हमारा 7 डे, इसमें भी हम 60 रुपीज़ ऐड कर देंगे, साथ ही इसको भी हम कर देंगे कुछ इस तरीके से डन। तो कुछ इस तरीके से भी डन हो चुका है। नेक्स्ट हमारा है 8 डे। अगर आपके पास 60 रुपीज़ नहीं है, आपने 200, 300, 400 रख रखा है और आप चाहते हो डायरेक्टली आप उसे फिल कर दो, तो आप कुछ इस तरीके से 3-4 बॉक्स करके फिल कर सकते हो। तो अगर आपके पास 500 रुपीज़ है और आप चाहते हो इकट्ठे फिल कर दो, तो आप कुछ इस तरीके से बॉक्स फिल कर सकते हो, जैसे 60 + 60 120, साथ ही +60 180, 240, साथ ही 60 आपका हो गया 300, फिर 60 अगर आप इसमें ऐड करोगे तो 360, साथ ही फिर 60 आप इसमें ऐड करोगे हो जाता है आपका 420, साथ ही अगर आप फिर 60 ऐड करोगे तो 480 हो जाता है। 500 रुपीज़ मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी, तो ये रहा कुछ 200, 400, साथ ही 500 ऐड करने के बाद मैं यहाँ से 20 रुपीज़ रिटर्न ले लूँगी, क्योंकि हमारा यहाँ पर सिर्फ 480 रुपीज़ ही ऐड हुआ है। अब बचे हमारे पास 15 डे। 15 डे काउंट करके भी आप इसमें फिल कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर 60-60 करके आप फिल कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, जैसे 60, 60, 60 एंड 60 एंड 60। तो और ये हो गया आपका, अगर आप ये डायरेक्टली 5 डे का फिल करते हो तो आपके 300 रुपीज़ हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इसमें 300 रुपीज़ ऐड करके इसे भी फिल कर सकते हो। तो मेरे पास नेक्स्ट बच रहे हैं 20 डे। तो मैं यहाँ पर अगर मेरे पास पूरा चेंज नहीं है या फिर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं इसको नहीं फिल करूँगी। अगर मेरे पास सिर्फ 30 रुपीज़ बचे हैं तो मैं यहाँ पर 30 रुपीज़ ऐसे कर दूँगी, साथ ही साथ इसको मैं यहाँ पर लिख ले रही हूँ माइनस, मतलब अभी मेरे 30 रुपीज़ और हैं, साथ ही साथ मैं 30 रुपीज़ इसमें और ऐड कर दे रही हूँ अगर किसी दिन मेरे पैसे खर्च हो गए तो। साथ ही जिस दिन मेरे पास पैसे रिटर्न आ जाते हैं उस दिन मैं इसको भी डायरेक्टली डन कर दूँगी, साथ ही इसको भी डन कर दूँगी। अगर मेरे पास 100 रुपीज़ हैं तो 60 एंड 30, 90 रुपीज़ मैं इसमें ऐड करने के बाद 10 रुपीज़ यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से रिटर्न ले लूँगी, जिससे कि हमारा ये वाला भी बॉक्स फिल हो चुका है। साथ ही नेक्स्ट हमारे पास बचे हैं 100 रुपीज़ और मुझे फिल करना है 1 बॉक्स। तो कुछ इस तरीके से मैं 23 डे वाले को फिल करने के बाद 40 रुपीज़ यहाँ से रिटर्न ले लूँगी, साथ ही साथ 100 रुपीज़ मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी। तो दोस्तों जब आप इसे 30 डे तक पूरा फिल कर देते हो, इसमें पैसे डाल देते हो, तो आपके पास 1800 रुपये आराम से हो जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट। दोस्तों कुछ इस तरीके से आप भी इस अमाउंट को फिल कर सकते हो, साथ ही साथ ये चार्ट रेडी कर सकते हो और 1 मंथ मनी सेविंग चले जा किसी भी अमाउंट अपने आप को दे सकते हो, चाहे 10 रुपीज़ हो, 5 रुपीज़ हो, 20 रुपीज़ हो, 15 रुपीज़ हो। दोस्तों मैंने भी अपने आप को काफ़ी सारे चैलेंज दे रखे हैं 52 वीक के लिए, जैसे ही वो पूरे होंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और मेरे कुछ टारगेट और गोल हैं जो 2022 के लास्ट तक मैं ज़रूर पूरा करूंगी, उसे अचीव करूंगी, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। साथ ही साथ मैंने कितना अमाउंट 1 साल में सेव किया है और उस सेविंग का मैं क्या करती हूँ, साथ ही मैं कहाँ इन्वेस्ट करती हूँ, इसके बारे में भी मैं आपसे डिटेल में शेयर करूँगी, आपसे बात भी करूँगी। तो दोस्तों मेरे पास कुछ कमेंट आता है कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आप जब देखो तब पैसे की वीडियो बनाते रहते हो, ये हुआ वो हुआ। तो मैं जल्द ही एक Q&A वीडियो लाऊंगी, आपके जितने सारे कमेंट्स हैं चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो आप डायरेक्टली मुझसे कर सकते हो, मैं उन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको बखूबी दूंगी। और दोस्तों अगर आपके पास मनी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके सारे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगी। दोस्तों मेरे पास ऑलरेडी 5 to 6 वीडियो पेंडिंग में है जो कि रिक्वेस्टेड वीडियो है, और नेक्स्ट ही आपका जो अमाउंट है उस पर वीडियो अपलोड करूंगी। अभी मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है क्योंकि मेरी वीडियो में काफ़ी ज़्यादा गैप हो जा रहा है, 5 डे 10 डे ऐसे करके गैप हो रहा है, बिकॉज मुझे बेटर फील नहीं हो रहा है, थोड़ा वीकनेस आ चुका है। तो जैसे ही मैं रिकवर होती हूँ, थोड़ा सा अच्छा फील करती हूँ, बेटर फील करती हूँ, तो मैं रेगुलर वीडियो पोस्ट करूँगी। दोस्तों अगर आपके पास मनी सेविंग को लेकर के कोई भी न्यू टिप्स है, ट्रिक्स है, आइडिया है, तो आप लोग डायरेक्टली मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, मैं आपके नाम के साथ आपके आइडिया अपने वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी, साथ ही साथ लोगों तक पहुँचाऊँगी भी उसको कि हाँ आपके आइडिया क्या हैं, आप उसे अपने ऊपर कैसे अप्लाई करते हो। अगर आपके पास कोई भी स्टोरी है मनी सेविंग को लेकर के, आपने कितने पैसे बचाए या फिर आपको मेरी वीडियो से कितना बेनिफिट मिलता है, तो आप डायरेक्टली मेरे साथ कमेंट सेक्शन में उसको भी शेयर कर सकते हैं।
दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री है। मैं आपके लिए डेली वीडियो लाने की कोशिश करती हूँ मनी सेविंग से रिलेटेड। और अगर आप बहुत ज़्यादा खर्चालू स्वभाव के हैं या फिर आपके फ्रेंड वगैरह खर्चालू स्वभाव के हैं तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हो, जो पैसों का बहुत ज़्यादा रोनर होता रहता है, यार इतना उधार दे दो उतना उधार दे दो, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकती है। मैंने मनी सेविंग के ऊपर बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी है, 100+ वीडियो होंगी। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है मनी सेविंग करके प्लेलिस्ट, आप डायरेक्टली वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जाकर के क्लिक करें। अगर आप लोग ओल्ड हैं और आप मुझे काफी दिनों से देख रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही जुड़े रहें और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ आप बनाए रहें। दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, नेक्स्ट अमेजिंग मनी सेविंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, कि अन्य वीडियो में बहुत जल्दी ही लाऊंगी, आपके जितने सारे क्वेश्चन हैं आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेश्चन का हॉनेस्टली आंसर करूंगी। वही बात मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, मेरे हस्बैंड एक बिजनेसमैन हैं और बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी हो जाता है, काफ़ी लॉस भी हो जाता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए ही अपना जो बजट होता है वो बनाना पड़ता है। साथ ही साथ मैं इसका डिटेल में आपसे कभी और शेयर करूंगी। तो दोस्तों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनी फैमिली का हमेशा ख्याल रखो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।